नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी डिश है मसाला अंडा करी। ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है उतनी खाने में भी स्वादिष्ट ही है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। तो इसके लिए हमें चाहिए बॉइल्ड अंडे। यहाँ पे मैंने 5 अंडे को अच्छे से बॉईल कर लिया है और उनको उसे काट लिया है। ऊपर से 2 बड़े प्याज लिए हैं, उनको बारीक काट लिया है। 2 टमाटर की प्यूरी कर लिए है और जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पे मैंने ली है। अब एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे 1 चम्मच। उसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच और हम उसमें डाल देंगे अभी हमारे बॉइल्ड एग्स और उसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे तेल में। थोड़ा सा डालेंगे नमक ताकि नमक और मिर्च की अच्छे से कोटिंग हो जाए अंडों को। अब हम उसको निकाल लेंगे। फिर सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। उसमें डालेंगे जीरा 1/2 छोटी चम्मच। फिर इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छी तरह से पकने देना है 3 से 4 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन चला जाए। जब इसको गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट। 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी पका लेंगे अच्छे से। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में चाहिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच करंडर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला। लाल मिर्च पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे टोमेटो की प्यूरी। यहाँ पे मैंने 2 टोमेटो लिए थे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने से ये जल्दी पक जाता है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। यहाँ पे मैंने एकदम आधा कप पानी यूज़ किया है। फिर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। यहाँ पे मैंने लगभग 1 से 1.5 कप पानी यहाँ पर डाला है। फिर डाल देंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्तूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा स्मेल आता है उसको। इसको ढक लेंगे 5 मिनट के लिए। देखो 5 मिनट के बाद बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है। अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल्ड एग्स जो हमने फ्राई किए थे और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको इन करी में पकने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। देखो 5 से 6 मिनट के बाद हमारा अंडा करी मसाला बनके एकदम रेडी है। लास्ट में डालेंगे हम धनिया। आप इसको ज़रूर ट्राई करो, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। तो आपको मेरी रेसिपीज पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। थैंक यू।